Welcome in I do ethics, and today we are going to start with a new chapter that is separation of substances. Let me tell you what we are going to uh, do in this chapter separation of substances. And this uh, chapter is really, really very very interesting because in this chapter there are so many experiments to do. This chapter is full of experiments, and I am going to also send a video of experiments. then you can also try that experiments in your home also. so इसके हम three parts रखेंगे part 1 for this video, part 2 for second video and part 3 for third video. और अलग से इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके कुछ videos भी ठीक है सो methods ऑफ सेपरेशन what डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन सेपरेशन मतलब क्या होता है सेपरेशन मतलब होता है अलग करना किन्हें अलग करना सप्टेंसेस को अलग करना वो भी एक दूसरे से अलग करना सेप्टेंसेस को डैट चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सप्टेंसेज तो सब सपटेंसेस uh, को अलग करने के मेथड इसमें हमें बताया है ठीक है अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन अच्छा उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में कवर करना है क्या क्या कंटेंट्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं सबसे पहले आता है थ्रेशिंग मैं भी इस वीडियो का नहीं बता रही हूँ इस पूरे चैप्टर का बता रही हूँ राइट थ्रेशिंग करना है हमें फिर विनोइंग करना है हैंड पिकिंग सीविंग सेडिमेंटेशन डिकटेशन फिल्ट्रेशन एवेपोरेशन कंडेंसेशन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी ओके ओनली दिस थिंग तो यही है हमारे इस चैप्टर में बहुत इजी सा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है हे आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट दैट डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन मेथड्स दैट यूज चलिए तो हम आज तो हम विनोइंग तक करेंगे ठीक है चलिए थ्रेशिंग से लेके विनोइंग तक ना व्हाट इज़ थ्रेशिंग अब थ्रेशिंग क्या होता है देखिए थ्रेशिंग देखिए आप इस फोटो को देखिए ये जो ग्रेन्स होती है ना ग्रेन्स को जो ग्रेन्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं See, grains or seeds or plants like rice and wheat serve as sources of food. The flour, that is used for making chapatis, is, is made from wheat grains. After these crops have been harvested or cut, the grains need to be separated from the stalks. The dry, uh, stalks mean dry stems. This is done by threshing, the, the process of beating harvested crops to separate the Grains from the stalks is called threshing. It is done uh, manually by hand or with the help of machines. Manual threshing is done by holding a pile of crop and uh, beating it on a rock or a hard surface. This uh, loosens and separates the grain from the stalk. Sometimes threshing is also done by crushing the harvest stalks using bullocks. अब ये थ्रेशिंग क्या होता है देखिए थ्रेशिंग जो होते हैं जो आटा या फिर जो ग्रेन्स होती हैं जब ये क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती हैं तो इन ग्रेन्स को जो स्टॉक्स है स्टॉक्स मतलब जो ड्राइड स्टेम्स हैं उनमें से अलग किया जाता है अब ये कैसे किया जाता है बाय थ्रेशिंग ये थ्रेशिंग से किया जाता है अब थ्रेशिंग कैसे करते हैं थ्रेशिंग हैंड से की जाती है और मशीन से भी की जाती है ये थ्रेशिंग ज़्यादातर ये कैसे किए जाती हैं ये ज़्यादातर करी जाती है एक पाइल को पकड़ के ये थ्रेशिंग कई बार की जाती है और फिर इसे बीट किया जाता है इसे मारा जाता है राइट उसे खूब बीट करते हैं राइट अ रॉक और इन रॉक सरफेस और अ हार्ड सरफेस, फिर जब वो लूजन हो जाती है तो फिर वो ग्रेन्स को सेपरेट कर देती है स्टॉक से राइट और ये थ्रेशिंग को हम क्रश करके करते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप जो हार्वेस्टेड स्टॉक्स हैं इन्हें क्रश करते हैं यूजिंग बुल्क्स राइट और इन्हें बीट किया जाता है ये ज़्यादातर हाथों से होती हैं उन्हें खूब बीट किया जाता है उसके वजह से लूजन हो जाता है और फिर ग्रेन्स जो होती हैं वो स्टॉक से सेपरेट हो जाती हैं और ये बुलक से भी किया जाता है थ्रेशिंग ये आप देख सकते हैं इसे पीटा जा रहा है मारा जा रहा है जो बंडल्स हैं इसे बीट किया जा रहा है ये मैनुअल थ्रेशिंग एंड यू नो थ्रेशिंग इज आल्सो डन विद हेल्प ऑफ मशीन लाइक द कंबाइन हार्वेस्टर दैट इज गिवन इन फिगर थ्री पॉइंट टू थ्रेश ग्रेन्स May still contain seed covering and tiny pieces of leaves of stem, collectively called shawf. These are separated by winnowing. Ab now, what is winnowing? What is winnowing? Kya hota hai? The method used to separate shawf from the grain by wind or blowing air is called winnowing the mixture of shop and grain is taken in a winnowing, uh, winnowing basket the farmer stands at a higher level and lets the mixture fall to be gr uh, to the ground the grain being heavier falls almost vertically whereas the lighter shop is carried away by the wind and form forms a separate uh, heap away from the crane. the separated chaff is used as fodder or for cattle the direction of the wind plays an important role in the process of winnowing ab ye winnowing kya hota hai dekhiye jo grains hoti hai jo grains hoti hai उन्हें उन, जो ग्रेन्स होती है जब उन, उनको विंड से या ब्लोइंग से जब उन wind विंड होती हैं या फिर जब उन पर हम ब्लो करते हैं फूकते हैं तो फिर उसी प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं जब हमें सेपरेट करना होता है ग्रेन्स को और ग्रेन्स को ग्रेंस के पार्टिकल्स से जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो ये कैसे की जाता है थ्रू विनोइंग जिसमें हम फूकते हैं और फिर विंड से हवा से सेपरेट करते हैं You can see a man doing winnowing. Next, our hand picking. Rice, wheat, pulses, etc. The that we buy from, uh, from the market may contain impurities, unwanted or harmful particles. In the form of small stones, unwanted grains, etc., Often these uh, impurities look very different from the food item and can be spotted easily. The method of separation used in such a case ha is hand picking. This method is preferred when the quantity of the mixture is small. The unwanted substance is present in a smaller quantities, and the size, shape, or color of the unwanted substance is different from that of the useful one. ओके okay, तो इसमें क्या किया जाता है इसमें देखिए सपोज़ ये एक प्लेट है प्लेट में आ, ये इसलिए यूज़ हुआ हो, होता है ये ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जाता है जब ग्रेन्स छोट ग्रेन्स की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है कम होती हैं तभी ये किया जाता है ठीक है ये जो हैंड uh, पिकिंग है तभी किया जाता है क्योंकि जब ग्रेन्स uh, वगैरह में अनवांटेड या फिर हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ये किससे होता है ये हम हाथों से करते हैं हम खुद हाथों से छाट छाट कर सेपरेट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या हैंड पिकिंग दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हैंड पिकिंग यू कैन सी लेडी डूइंग हैंड पिकिंग सीविंग सीविंग मतलब क्या होता है सीविंग मतलब होता है छानना सीविंग मीन्स छानना सीव करना राइट right? और ये किससे की जाती है छलनी से इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग द स्मॉलर कंपोनेंट्स पासिस थ्रू द of the sieve whereas the larger components means stones or husk is left behind in it. This method is used in some home to separate wheat bran, the bigger particles from flour. However, sieving wheat flow is not advisable as wheat bran which is removed during sieving is very rich in nutrients and is also a rich is better to remove visible impurities by hand picking the process of sieving is called is, uh, is also used to separate pebbles and stones from sand at, uh, str uh, at uh, construction sites the stones and pebbles present in the mixture remain in the sieve and the fine sand particle pass through the होल्स ऑफ दी सी अब ये सीविंग क्या होता है देखिए बच्चों आपने अक्सर देखा होगा देखिए जैसे इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में ये ग्रेन्स है राइट अब इनके ग्रीनस जो हैं इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करना है राइट इनको अब इनके छिलकों से सेपरेट करना है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करना है तो अब कैसे करा जा सकता है ये देखिए उसके लिए एक चीज़ आती है चूँकि होती है सीव छलनी होती है जिसकी अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं राइट बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं ठीक है फिर एक हम उसके नीचे हम क्या रख देते हैं एक बाउल रख देते हैं और फिर इसके अंदर इस छलनी के अंदर इस सीव के अंदर हम क्या डालते हैं ग्रेन्स डाल देते हैं हमारी और फिर हम उसको जब थोड़ा हिलाते हैं शेक करते हैं तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो किस में आ जाते हैं वो हमारे बाउल्स में आ जाते हैं राइट ये इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए होता है सीविंग राइट जिसमें हम सीव करते हैं और जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो फिर जो स्टोन्स या फिर पेबल्स होता है उनको हटाने के लिए भी सीविंग यूज़ की जाती है उनको हटाने के लिए भी क्या यूज़ करा जाता है सीविंग यूज़ किया जाता है या सीन देखिए ऐसे कुछ आता है ये और फिर इधर छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर होल्स होते हैं और फिर इधर मिट्टी डाल जाती है ताकि पेबल्स जो हैं उसके वो मिट्टी से सेपरेट हो जाए अब हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन ऑफ फिल्ट्रेशन की जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो फॉर नाउ फॉर टुडे थैंक यू और अब हमारा पार्ट टू बचा है नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में पढ़ेंगे हम सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन थैंक यू